नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। मैं आपके साथ दीक्षा शुक्ला। खबर चंदौली से है। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन, साथ ही एम्बुलेंस का चक्का जाम कर हड़ताल पर चले गए। इस दौरान एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस का चक्का जाम कर प्रदर्शन करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। आज आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल का बॉर्डर ले पोस्टर लेके खड़े हुए हैं, आपातकालीन सेवा बंद किए हुए हैं, क्या है मामला? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जितेंद्र कुमार जी चंदौली 108-102 एम्बुलेंस संघ का अध्यक्ष हूँ। हमारी मांग है कि हमारे 1000 कर्मचारियों को बिना किसी सूचना के निकाल दिया गया है, जिसका हम फिर से जीविके कंपनी में जो NGO हमको चला रही है उसमें समायोजन चाहते हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि कोरोना के दौरान हम लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई है और उस दौरान अग्रणी भूमिका निभाई है और हम चाहते हैं ठेका प्रथा से हमको मुक्ति दी जाए। तीसरी बात हमारी है कि हमारे कोरोना के दौरान जो भाई मरे हुए हैं उनको 50 लाख का बीमा राशि अभी तक जो नहीं दिया गया है उसको दिया जाए। तीसरी बात हमारी है कि हमको NHM के में समायोजित किया जाए, और जब तक NHM में समायोजित नहीं किया जाता है तो इसके पूर्व में कंपनी ने स्वीकार किया है जो 4 घंटे का OT देना, वो हमको 4 घंटे की मिनिमम वेज के अनुसार OT दे, जो हमको मिला के 23,000 रुपये होता है वही हमको चाहिए।